भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। वर यात्रा में पधारे सभी सम्मानित अतिथियों, देवऋषि नारद, हमसे महादेव जी के आदर में निश्चित ही भूल हुई है। मैं पर्वतराज हिमालय इस भूल का सुधार करने के लिए हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा याचना करता हूं तथा अपनी पुत्री पार्वती महादेव शिव को दान देता हूं। हे सर्वेश्वर, आप इसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें तथा इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय। हे शिव शंभु, इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर आप अपने वैदिक विवाह को संपन्न करें। दैवयुता सुधा मधुमयी सच्छान्तिदा मातृका तद्वद्दैवयुतो हिमाचलयति साक्षात् स्फटिका पिता सार्धं प्रकृति वैभवादि विशदै सानंदयुक्तैः स्वरै कथ्यन्ते शिव पार्वती सुखकर भूयात् सदा। विदाई का शुभ मुहूर्त आ गया है, वर वधु को विदा करें। जैसे आपकी इच्छा ब्रह्मदेव। प्रस्थान करें महादेव। देवाधिदेव महादेव तथा माता पार्वती की जय। 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 देवाधिदेव महादेव
महादेव शिव, महादेवी पार्वती, आप दोनों का शुभ विवाह वैदिक रीति से परम देव श्री महागणेश की कृपा से निर्विघ्न संपन्न हुआ है। आप दोनों का वैवाहिक जीवन शुभ रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। विश्वेश्वर शिव शंकर और विश्वेश्वरी देवी पार्वती, आप दोनों के शुभ विवाह से संसार का कल्याण और जन जन की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पृथ्वीवासी सदा सदा शुभ विवाह से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कल्याणकारी शिव और ममतामयी शिवा की कृपा सदा सदा संसार को प्राप्त होती रहे, यही हमारी शुभकामना है। नारायण नारायण भोलेनाथ, आज इस शुभ अवसर पर उपजे आनंद के कारण मेरे मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। नारद, यदि तुम भी अपनी विवाह की स्वीकृति दे दो तो हम सभी को एक बार पुनः ऐसे शुभ अवसर पर सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। माता, विवाह किसे प्रिय नहीं होता, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि नारद की जन्म कुंडली के समय विधाता उसमें विवाह का प्रकरण लिखना ही भूल गए। मेरे परम शिष्य नारद, मैं तुम्हारा गुरु हूं, परंतु मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि तुम अपनी भक्ति जिज्ञासा के कारण ही आज विधाता के सबसे अधिक समीप हो। यदि विवाह की इतनी ही इच्छा है तो अपने अभिनय की चतुराई को प्रस्तुत करते हुए विधाता को प्रसन्न कर लो। नारायण नारायण, गुरुवर प्रसन्न तो मैं उन्हें कर लूंगा, और उनकी प्रसन्नता से इस नारद को नारदी मिल भी जाएगी, और आप सबकी कृपा से मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो नारदी इस नारद से प्रसन्न भी रहेगी। किंतु नारायण नारायण, अपनी बात कहते कहते रुक क्यों गए नारद, निसंकोच कहो। माता, विवाह का प्रसंग आते ही मुझे दो बातें अत्यधिक भयभीत करती हैं। एक तो ये कि कहीं नारदी को प्रसन्न करने के चक्कर में आप सबकी प्रसन्नता से वंचित ना रह जाऊं, और दूसरा वो युगों पूर्व की वो घटना जब विवाह के लिए मछले मेरे मन को श्री हरि विष्णु के दंड के कारण वानर मुखी बनना पड़ा था। नारायण नारायण, क्या इस दीन ही नारद से आप सभी के प्रति कोई अपराध हुआ है जो आप भोलेनाथ के शुभ विवाह के अवसर पर मुझे परिहास का केंद्र बना रहे हैं? महादेवी पार्वती, हे जगदम्बा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी मानसिक प्रार्थना आप अवश्य सुन रही होंगी। हे शक्ति स्वरूपा माता, हम सब देवगण आपकी कृपा के इच्छुक हैं। माता, अब आप शीघ्र ही शिव पुत्र को प्रकट करने का माध्यम बने, जिससे अत्याचारी तारकासुर का अंत हो और हम देवताओं को पुनः स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। माता, अब आप शीघ्र ही शिव पुत्र को प्रकट कर जगत का कल्याण करें। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, माता हम देवताओं को उद्धार का मार्ग आप ही दिखा सकती हैं। हम पर कृपा करें ममतामयी माता, दया करें, हमारा उद्धार करें। देवी पार्वती, देवराज इंद्र, देवी शची और देवताओं को आप अपने कृपा वचनों से निश्चिंत करें। देवगणों, देवी शची, परम देव श्री महागणेश की इच्छा एवं महादेव शिव की कृपा से मैं आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करने की निमित्त बनूंगी। देवाधिदेव महादेव एवं महादेवी पार्वती की जय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एवं त्रिदेवियों सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती की जय। नारायण नारायण, देवाधिदेव महादेव एवं शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, आज के इस परम आनंद के अवसर पर आपका ये परम भक्त नारद आपसे कुछ मांगने का इच्छुक है। नारद, तुम्हारे मन में जिसके कल्याण की बात उठ रही है, हम स्वयं उसको उसका सौभाग्य लौटाने के इच्छुक हैं, किंतु किंतु क्या प्रभु? नारद, देवी पार्वती से
विवाह के पूर्व जब हम योग और वैराग्य को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके थे, तब देवताओं का प्रोत्साहन पाकर प्रेम पर्यण के देवता पुष्प धनवा कामदेव हमारे संकल्प को ध्वस्त करने का दुस्साहस कर हमारे क्रोध से भस्म हो गए थे। आज इस शुभ अवसर पर तुम उन्हें पुनः जीवन प्रदान करवाने के इच्छुक हो। भोलेनाथ, आप तो दया के सागर हैं। देवताओं की प्रार्थना पर एवं संसार के कल्याण के लिए पुष्प धनवा कामदेव बलि चढ़ गए थे। हम सबकी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उन्हें पुनः जीवन प्रदान करें। देवाधिदेव, आप तो मृत संजीवनी विद्या के अधिष्ठाता हैं। कामदेव की असमय मृत्यु से हम सब पर जो भयानक पाप लगा है, आज आप कामदेव को पुनः जीवन देकर हमारे पापों को पुण्य में बदल दें। देवराज इंद्र, हम जानते हैं चतुर नारद की प्रेरणा के अनुसार आप लोग आज के ही दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद की ही योजना के अनुसार कैलाश पर अदृश्य रूप में देवी रति उपस्थित हैं। देवी रति प्रकट हो, देवी रति प्रकट हो, देवी रति प्रकट हो, देवी रति प्रकट हो। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता पार्वती। अब आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है देवी रति। विधाता ने जब इस संसार की रचना की थी तब कुछ नियम भी निश्चित किए गए थे। ब्रह्मदेव एवं श्री हरि विष्णु उन नियमों से भले भांति परिचित हैं। कैसे नियम प्रभु? नारद, भगवान हर इस समय जिन नियमों की ओर संकेत कर रहे हैं, तुम उनसे भली भांति परिचित हो। प्रभु, यदि मैं उन नियमों को जानता तो उन्हें पूछने का प्रश्न ही क्यों करता? क्योंकि प्रश्न करना तुम्हारा स्वभाव बन गया है नारद। जिस प्रकार प्राणी लोक के मानव के भीतर मन और आत्मा का संघर्ष चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी प्रश्नों का सागर उमड़ता रहता है। परमपिता, इसमें नारद का तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि नारद तत्व का निर्माण जिज्ञासा एवं प्रश्न जैसे रसायन से किया गया है। भोलेनाथ, आप कृपा करके उन नियमों का परिचय तो दे दें। परम देव श्री महागणेश के इस इच्छा संसार में प्रथम दिन से ये नियम निश्चित किए गए थे। हम त्रिदेव एवं त्रिदेवियां शाप, ताप, द्वेष, दंश, ऐहिक एवं दिव्य शक्तियों से परे हैं। भोलेनाथ, आप तो रहस्यों के भी रहस्य हैं। नारायण नारायण, मुझे क्षमा करें आप। आपकी ये कठिन भाषा इस नारद की समझ में तनिक भी नहीं आई। महादेव के कहने का अर्थ है नारद कि हम त्रिदेव और त्रिदेवियों को किसी भी प्रकार की दिव्य शक्तियां स्पर्श नहीं कर सकती। तुम सबका प्रोत्साहन पाकर अपने प्रेम परिणय और पुष्प वाणों के अभिमान में आकर कामदेव ने जो दुस्साहस किया उसका परिणाम तो उसे भोगना ही था। यदि भोलेनाथ कामदेव को दंडित ना करते तो उस दिन संसार में हम त्रिदेव और त्रिदेवियों पर दिव्य शक्तियों के प्रहार की परंपरा जन्म ले लेती। देवाधिदेव महादेव, परमपिता ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु एवं त्रिदेवियों, मेरे स्वामी मेरे प्राणनाथ ने, मुझे सुख देने वाले मेरे प्रियतम ने जो कुछ भी किया वो निसंदेह ही आपके सम्मान में अक्षम्य अपराध है। किंतु हमें आपसे पूर्ण सहानुभूति है देवी रति। आप निर्भय होकर निसंकोच अपनी बात कहें। भोलेनाथ, आप इस सत्य से अनजान तो नहीं हैं कि इस समय सारे संसार को दुष्ट और अत्याचारी तारकासुर ने अपनी आसुरी शक्ति से भ्रमित कर रखा है। मेरे स्वामी भी अन्य देवताओं के समान उसी के सताए हुए थे। इस कारण
उन्होंने त्रिदेव तथा त्रिदेवियों की निश्चित परंपरा को भंग करने का दुस्साहस किया। अब जबकि सब कुछ उनकी इच्छा अनुसार हो गया है, तो उन्हें क्षमा कर अपना आशुतोष नाम सार्थक करें प्रभु। स्वामी, कामदेव को उसके करने का दंड मिल गया है, किंतु उस दंड से देवी रति को क्यों पीड़ित किया जाए? हे भोलेनाथ, आप मृत कामदेव को पुनः जीवित करके हम पर कृपा करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में कोई भी हम त्रिदेव और त्रिदेवियों पर कामदेव के दंड का स्मरण कर अपने दिव्य शक्तियों के प्रयोग का दुस्साहस कदापि नहीं करेगा। इस कारण अब आप कामदेव को क्षमा करें भोलेनाथ। देवियों, देवताओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुने। मेरे क्रोध से जो कुछ भी हो गया वह अन्यथा नहीं हो सकता। आप सबकी प्रार्थना के कारण मैं कामदेव को अनंग जीवन दान देता हूँ। नारायण नारायण, अनंग जीवन दान अर्थात? अर्थात शरीर रहित जीवन। शरीर रहित जीवन, किंतु यह कैसे संभव होगा भोलेनाथ? देवराज इंद्र, अपने जिस दुस्साहस के कारण कामदेव को भस्म होना पड़ा, आप ये प्रश्न पूछकर उसी दुस्साहस की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। नारायण नारायण देवराज इंद्र, श्री महागणेश की कृपा से इस संसार में त्रिदेव और त्रिदेवियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्षमा, हमें क्षमा करें देवऋषि।